जब आप लास्ट टाइम कुछ करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब मेरी ये रिंग लाइट है जो बिल्कुल सही थी, इसकी लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया लास्ट टाइम इसको भी। गाइस गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस वही सुबह का काम चल रहा है, मैं नहा ली हूँ और नहा के बनाने वाली हूँ मैं प्रसाद। तो आज मैं ये फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने मेरे घर पे हमेशा मम्मी बनाती हैं खरबूजे के बीज वाली बर्फी, तो वही देखी है, वही बनाई है, वही अच्छी लगती है खाने में। बट आज कुछ और भोग बनाते हैं जो यहाँ पर बनता है, तो मैं कैसा बनता है। तो इसको पाक बोलते हैं और नारियल मूँगफली वगैरह का ये बनता है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। हमारी चाशनी मेल्ट हो गई है सारी चीनी अच्छे से, और इसमें ना ये अच्छा लगता है नारियल ऐसे काट के, तो ये मैंने कट दिया, थोड़ा सा और काटूंगी भी, इसमें कम लग रहा है मेरे को। और ये मूंगफली मैंने रोस्ट किए हैं, तो इनके ये छिलके सारे अभी निकाल लूँगी। पाक बनेगा भगवान जी के लिए, भोग के लिए। देखिए इसमें उबाल आ गया अच्छे से, तो इसका ये साइड हटा देंगे। वाल आ गया देखिए, और ये मैंने अभी चेक की है, तो ये एक तार वाली अच्छे से हमारी बन गई है देखिए। तो बस इसको ऐड कर देंगे अब। और ये मैंने ले लिए यहाँ पे इलायची, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। खाने की तैयारी साथ में ही, तो वो क्या हो रही है मैं दिखाती हूँ। गोभी फ्राई हो रही है, बंद गोभी, पहले इसको फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद इसकी सब्जी बनाएंगे, तो ये टेस्टी बनती है पहले फ्राई करने से। और साथ में ये मैंने फैला दिए, अब तो ये देखिए, अब देखते हैं बन जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये अच्छे से बन गया है, अच्छा बन गया है, मतलब फर्स्ट टाइम बनाया वैसे। खाने की तैयारी कर दी है देखिए, एकदम चटपटा रायता बना दिया है। आलू गोभी की सब्जी बन गई है, उसमें बस धनिया डालना है, चटपटी सब्जी बन के रेडी है। मैंने तैयारी कर दिया बहुत अच्छा, ये देखो, अरे वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। पापा ने सिखाया, मैं आ गई पर, क्योंकि मुझे आज लास्ट मोमेंट पे बनानी है अपनी राधा रानी वाली वीडियो, क्योंकि दो तीन दिन से गेस्ट आ रहे थे घर पे, तो हो ही नहीं पाया, अब क्या करें। कोई बात नहीं, आज ही बना लेते हैं। तो बस मैं जल्दी से आई हूँ बच्चों को और पापा जी को खाना दे के ऊपर, कि मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, बाद में मैं खाना वगैरह खाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं पहनने वाली हूँ राधा रानी के लिए लहंगा, ये इसकी चुनरी है, ये इसका ब्लाउज तो इसका बेकार हो गया, तो मैं इसके साथ ये गोल्डन वाला ही पहन लूँगी आज का ड्रेस। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि मैंने राधा रानी का कभी ऐसे लुक क्रिएट नहीं किया है, बट आज मेरा मन है तो और पहनने वाली हूँ। आज जुकाम हो गया थोड़ा सा, तो तबीयत भी ऐसे ही है। और मैंने देखा है लास्ट टाइम आप ऐसा कुछ करते हो ना, आपको 10 चीज़ें आ जाएंगी रोकने के लिए, बट मैं नहीं रोकने वाली, मैं ये करने वाली हूँ। और इसके सारे वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग तो जन्माष्टमी के एक दो दिन बाद ही जाएगा, तो आप वहाँ पे फॉलो कर लेना और देखना। और मैंने ना रात को ही ये सब अपनी चीज़ें, मतलब ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकाल के रख दी थी, चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि जल्दी से हो जाए, रात को मैंने किया ये, क्योंकि तिक्सु तो करने नहीं देती है, रात में भी उसने काफ़ी सारी चीज़ें फैलाई हैं। मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी ज्वेलरी वगैरह निकाली है। ये एक नेकलेस है, और इसमें काफ़ी सारी जो मुझे ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैंने रात को रख दी हैं। इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ, मैंने कभी ये लगाया नहीं है, बट मैंने देखा अभी बहुत सारी वीडियोस में सबको लगाती हूँ, तो मैं देखूँगी कैसा लगेगा। और ये रिंग और ये सब मैं आज पहनने वाली हूँ, और साथ में है ये चूड़ियाँ इस बॉक्स में, मैंने रात को ये बना के रख दिया था सेट।
और बस जल्दी से रेडी हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं, एक्साइटमेंट भी है नर्वस भी है। तो और जब आप लास्ट टाइम कुछ करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब मेरी ये रिंग लाइट है जो बिल्कुल सही थी, इसकी लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया लास्ट टाइम इसको भी। और ये सब बच्चे आ गए हैं ऊपर और धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है और ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं सब। पूजा अपने आराम मस्त लेती हैं। तिक्सु हेलो, तिक्सु हाय हाय। तो मैंने कपड़े सुखा दिए, बहुत ही अच्छी धूप आ रही है। बादल देखिए, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं और धूप भी बहुत अच्छी है। के चलते हैं अपना मेकअप बॉक्स, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो। अब हो जाते हैं जल्दी से रेडी भैया, और ये ब्लॉग भी बन रहा है साथ में, मेरी वीडियो भी बन रही है, कोई बात नहीं। आप ज़्यादा काम हो गया है, सबसे पहले बिंदी हटा देती हूँ। और ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा क्योंकि इसमें वीडियो वगैरह भी ऐड करती है। तो अब मैं आपसे ना तैयार होके मिलती हूँ, नहीं तो काफ़ी ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। इतने बड़े बड़े बन रहे हैं तो फिर राधा रानी भी बन जाए। और अब करते हैं कुछ देसी जुगाड़। अगले साल से ना कुमकुम मैं पहले ही मंगा लूंगी, अब कोई कुमकुम लगाता है नहीं। नहीं तिक्षु, ये देखिए क्या व्हाइट वाली, रेड वाली, उसमें सारी आती है। तो ये कोशिश तो हो रही है, कामयाब हो जाए बस। बुलबुल बुलबुल ज्यादा नहीं लगा रही, बस एक लगाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा सा दिख जाए बस। ठीक है, ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। तो नहीं पहले सही थी और अब भी सही है। सही है, चाहिए मैं लेके आई हूँ, देखना ये वाली सही है, मुझे ज्यादा बड़ी लग रही है। चलिए ना तिक्षु, हट जाओ बेटा। तिक्षु को कौन सी नहीं सही लग रही है वो, ये जो मैंने लगाई है भी मरून कलर है, रेड लगाती हूँ। हाँ तो रेड लगा। तो ये बता तू क्यों आई है यहाँ आराम फरमाने, मस्त लेटी आराम से। मस्त लेटी ना, अपने कोई कारीगरी चलेगी अभी, तू अपनी कारीगरी कर ले। फिर हंस रही है देख देख के, अक्खा बाजी मजन तरवनी। ठीक है, मुझे ये बड़ी लग रही है पूजा। ऊपर वाली थोड़ी सी छोटी, पहले सही थी, हल्की सी बनाऊंगी बिल्कुल, बाजी मजन तर कर दूंगी। टिक्सु देखना यार, चुन्नू रहने दे तू, अच्छा लग रहा है टिक्सु। आ टिक्सु बोलिया, अच्छा लग रहा है टिक्सु, टिक्सु अच्छा लग रहा है, देख ले देख ले, अभी आपको दिखाऊंगा। अरे अरे अच्छा लग रहा है टिक्सु, अच्छा लग रहा है, फेल गए टिक्सु, अच्छा लग रहा है। ये पूजा का तैयार है, लोगों ने यहाँ पे लगाया है, मैं कैसी लगूंगी। एक सेकंड हैं इसको सेट, ये मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, कभी मैंने आज तक नहीं लगाया। जो प्रसाद रखा है ना, केला रखा है, देखते हैं कैसा लगता है। ये सबसे ज्यादा आलस आ रहा है मुझे लगाने में, नेल पेंट सब हो चुका मजे से। सही लग रहा है वैसे, कुछ ऊपर वाला जा रहा है, कैसे जा रहा है। कैसा लग रहा है चिकू, सच सच बता। मुझे भी ऐसा सच लग, मुझे भी ऐसा अपने जैसा मामा। ठीक है, बता ना थोड़ी है, मुझे भी सच लग, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूं। आप अच्छी लग रही हो। अच्छा मैं बच्चिया हो, झूमर टीका। मेरा फाइनल लुक काफ़ी ज़्यादा रेडी हो गई हूँ मैं, फर्स्ट टाइम हुई हूँ ऐसे, तो थोड़ा सा मुझे तो हैवी लग रहा है, बट राधा रानी का लुक क्रिएट करना था इसलिए। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखना और कैसा लगा कमेंट में बताना।
वीडियो वगैरह सब कुछ बन गया है। देखो हालत क्या हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और फ़ोटो वगैरह सब कुछ हो गया, और अब मैं ये सब चेंज करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी हैवी लग रहा है, गर्मी इतनी भयंकर है बाहर, ठंडा मौसम है बट ये सब करके बहुत ज़्यादा लगती है। मैं अपना वीडियो वगैरह बना रही थी और इन बच्चों ने इतना गंदा किया है आज, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। इधर तो थोड़ा चीकू ने सेट कर दिया है, बारिश की वजह से कपड़े वपड़े यहीं सब ऐसे ही पड़े हैं। देखो पूरा घर गंदा, देखो देखो कितना गंदा कर दिया आज। काम करो तो ये फैलाते हैं बच्चे, और ये छोटे बच्चे, इसने नहीं किया तिक्सु ने, इसने और इसने किया, नहीं करती है ऐसा, है ना। तिक्सु तो आराम से खेल रही थी, इनने सब कुछ फैलाया, और अब मुझे थोड़ी शांति मिली है सब कुछ साफ करने के बाद, और अब चलें नीचे खाना खाएंगे। ओके ठीक है तिक्सु, ओके चलो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अब मैं बना रही हूँ पंजीरी वाला प्रसाद इधर, तो साथ में खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। पूरी सब्जी बनाएंगे क्योंकि जन्माष्टमी है और किसी का व्रत तो है नहीं, क्योंकि तो बस यही खाने की तैयारी चल रही है। और अभी पूजा मंदिर में गोपाल जी को वस्त्र पहनाएगी, नहीं लेके आए मेरे हस्बैंड, अभी मार्केट गए। और अभी चीकू, चुन्नू और तिक्सु, अब मैं खुद, आज मैंने अपना वीडियो बनाया तो मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ। अब मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं इनको रेडी करूँ, बट एक साल बाद आता है तो मैं करूँगी। अभी कुछ पूजा करेगी, कुछ मैं दोनों मिल के करेंगे, बट बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ तो ऐसे ही हो रहा है। और बच्चे जिद कर रहे हैं यार, चीकू चुन्नू जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। आपको बनना है राधा रानी, बनना है तिक्सु आपको, लो मम्मा के कपड़े खराब कर दिए ये। तिक्सु आपको कृष्णा बनाएंगे, ठीक है, ओके हाय बोल दो, हाय। अरे वेरी गुड, आपको क्या बनोगे, क्या राधा रानी नहीं अच्छी लगती, आप कृष्णा बनाऊंगी दोनों को, ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है। तो ये भगवान जी के लिए मिठाई लेके आए भोग के लिए, और इसमें फ्रूट्स वगैरह भी हैं ये, तो इससे चिन्नामृत बनेगा। और यहाँ पे ये गोपाल जी की माला, मुकुट आया है ये न्यू हमारे गोपाल जी के लिए, और ये पोशाक लेके आए, मेरे यहाँ सही नहीं थी तो मैं नहीं गई ना, अब वो खुद लेके आए हैं, ये अच्छी लेके आए हैं वैसे। इसमें मोरपंख का डिज़ाइन है, और ये कलर तो मैंने ही बोला था येलो कलर की लेके आना, तो वो ये अपने मन से लेके आए हैं। और वह तो हमारे गोपाल जी ने रेड वाली पहनी है, और ये भूख भी लग गया है सुबह, सुले चुनो आ घूम के, हाँ हेलो ले, हाय हाय हाय, नहीं बोल आराम से, अपना मुकुट निकाल दिया। अच्छा लग रहा है आपको तिक्सु, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये तो सबसे क्यूट कान है जी, ये थोड़ा तिक्सु करो, ये तो क्यूट कान है जी, इधर देखो, इधर इधर देखो, ये तो सबसे सुंदर कान है जी, ये है ना पापा, पापा कहाँ है पापा, पापा कहाँ है, वो उठाओ बांसुरी ले, उसने तो सब कुछ निकाल दिया, लाओ मुझे दे दो, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, नहीं 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 इसको पहने रहो। इन तीनों के वीडियो फोटो हम लोग खींच लिए, और अब ये ऐसे घूम रहे हैं यार, तिक्सु तिक्सु ने तो ये सब निकाल दिया, इधर इधर घूम रही है तिक्सु, देखो तिक्सु आज किसी की नहीं सुन रही है रेडी होने के बाद। तो बच्चों ने चेंज कर लिया, पहले तो इनको रेडी होने की इतनी जल्दी थी, और अब ये परेशान भी हो गए, और सारा कुछ चेंज कर दिया, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और अब इनको लग रही है भूख, तो बस मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी एंड सब्जी, सब खाएंगे। पूड़ी तुमने गलत बोला, हाँ पूड़ी बना रही हूँ, हाँ सब्जी नहीं, गलत बोला मैंने, तो बस बाद में मिलते हैं आपसे, पहले बना लेती हूँ जल्दी से ये गर्मा गर्म पूड़ी। और अब हम लोग आ गए छत पे घूमने थोड़ी देर, बच्चे अंदर मूवी देख रहे हैं लिटिल कृष्णा, और काफी ज्यादा बारिश हो रही है ना, तो हमारी छत तो काली हो गई है पूजा, अभी बारिश का भी लग रहा है मौसम, है ना,
के बारिश हो सकती है। हमेशा जन्माष्टमी पे कभी वो दिखाई नहीं चंद्रमा अच्छे से, हमेशा बारिश। और ये हमारी पूजा रानी। आज पूजा चल ऊपर चलते हैं, आजा ऊपर से देखते हैं थोड़ा सा। चलिए आज ऊपर चलते हैं थोड़ी देर। पूजा डीजे की आवाज़ तो आ रही है इधर। पूजा का डीजे पे डांस करने का बड़ा मन होता है कि डीजे चल जाए, गाने चले और मैं डांस करूं, बहुत मन होता है इसका। यार पानी, पूजा पानी देखना है, कैंडल नहीं है, रोड पर लाइट है, रोड पर लाइट हाईवे है ना, वो पूजा को कैंडल लग रही है, ये देखो तुम इतनी बड़ी बड़ी। तो पूजा नीचे चली गई है, बच्चे चीकू चुन्नू दोनों चले गए हैं और तिक्सु भी सो गई है, तो शांति है। तो मैंने सोचा क्यों ना दी एंड करते हैं। तो बस हमारे सारे पूरे दिन का ये मैंने आज ब्लॉग बनाया, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ मैं न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।